विजयपुर लूट की घटना के खुलासे पर वैश्य महासम्मेलन ने की 51,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा। 1 मार्च 2023 को विजयपुर के व्यापारी के साथ कट्टे की नोक पर हुई लूट की घटना के खुलासे को लेकर वैश्य महासम्मेलन ने 51,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की, जहां मंगल पैलेस में वैश्य महासम्मेलन के संभागीय अध्यक्ष कुंज बिहारी सर्राफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि विजयपुर के व्यापारी के साथ 1 मार्च को की गई 10 लाख की लूट का खुलासा होने पर वैश्य महासम्मेलन द्वारा पुलिस को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 51,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा वैश्य महासम्मेलन द्वारा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पुलिस अधीक्षक शिवपुर आलोक कुमार सिंह को लूट का जल्द से जल्द खुलासा किए जाने को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है, जहां हमें पुलिस अधीक्षक द्वारा आश्वस्त भी किया गया है कि पुलिस द्वारा मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। वहीं हमें भी पुलिस पर पूर्ण विश्वास है कि पुलिस विजयपुर के व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा करने में पुलिस को जल्द से जल्द सफलता भी मिलेगी। वहीं लूट का खुलासा होने पर पुलिस को प्रोत्साहित किए जाने को लेकर वैश्य महासम्मेलन द्वारा 51,000 रुपये की घोषणा भी की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष युवा इकाई मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन, संजय मंगल महामंत्री युवा इकाई वैश्य महासम्मेलन शिवपुर उपस्थित रहे। संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। जो नकद राशि होती है वो जल्दी थोड़ा भी आगे निकल जाएंगे तो खर्च कर लेते हैं। और उस 10 लाख को पुलिस बरामद करे उसके लिए हम प्रोत्साहन राशि के रूप में 51,000 रुपये वैश्य महासम्मेलन की इकाई द्वारा घोषणा करते हैं, जिससे उनको इस कार्य करने में एक प्रोत्साहन मिले। इस बारे में माननीय एसपी साहब से भी कल हमारी चर्चा हुई और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार हमें 2.5 लाख की डकैती आपकी चोरी बरामद की है, उसी प्रकार हम आप उसको भी बरामद करके जल्दी जल्दी आपको बताएंगे, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है और ये चोरी बरामद होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस बार कोई घटनाक्रम अन्य लोग ना करवे, इसलिए उसका